जीवन बहुत छोटा है, जीवन अनिश्चित होता है, मृत्यु निश्चित है, और इसलिए हमें एक संकल्प तय करके उस पर अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए। आज हजारों युवाओं के बीच में आप सभी से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि एक संकल्प क्या होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि किसी युवा से अचानक पूछ जाए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो सीधा उत्तर नहीं दे पाता। वो अपने पर्पज ऑफ लाइफ को लेकर ही कंफ्यूज है। साथियों, हमारे जीवन में जब संकल्प और लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तभी हम कुछ सिद्ध भी कर पाएंगे, देश को, मानवता को कुछ दे पाएंगे। जब संकल्प ही भ्रमित होगा, कंफ्यूज होगा, तो लक्ष्य को प्राप्त करना ही भी संभव नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हैं और पता ही नहीं कि किस ट्रेन में बैठना है, तो ना आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं, ना आप यात्रा का रास्ता पर। गरीब है, अमीर है, इन चीजों की चिंता छोड़ दो। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में, और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और आज आपके सामने खड़ा हूं, और इसलिए दोस्तों आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा।